गिरिडीह के गांडे स्थित नवनिर्माण डिग्री कॉलेज मेदनीसारे में अवैध बालू का भंडारण किया जा रहा है, जिस वजह से राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। इसे लेकर जेएम की प्रखंड कमेटी ने गांडे अंचल अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और अवैध भंडारण को सीज कर राजस्व बचाने की मांग की। मौके पर जेएमएम के प्रखंड सचिव भैरव वर्मा ने कहा कि तत्काल सीज करते हुए कार्रवाई नहीं की गई तो जेएमएम आंदोलन करने पर बाध्य होगी। वहीं चिन्हित आंदोलनकारी बैजनाथ राणा और भागवत सिंह के कहा कि इस तरह से कई सरकारी भवनों में अवैध बालू भंडारण कर राजस्व का नुकसान किया जा रहा है और प्रशासन चुप्पी साधे बैठी है। दरमियान हम लोग मेदनीसारे पंचायत मेदनीसारे गांव की तरफ गए थे, क्योंकि हम लोग का 4 मार्च का स्थापना दिवस है, उसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ले जाने के लिए क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। वहाँ हम लोगों को देखने में मिला एक डिग्री कॉलेज बन रहा है, जिसका संवेदक कौन है नहीं पता, लेकिन वहाँ 2000 ट्रक बालू का भंडारण किया गया, जबकि जो मेरी जानकारी में है कि अभी तक बालू का टेंडर हुआ नहीं है, लेकिन वहाँ भंडारण किया गया है लोगों। हाँ, ये अभी मेदनीसारे में का डिग्री कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन हम लोग क्षेत्र के भ्रमण के दौरान पाया कि उस जगह पर पूरे ज़िले में बालू का संविदा कहीं भी नहीं निकला है, लेकिन हम लोग को जो देखने को मिला कि अभी प्रचुर मात्रा में बालू का भंडारण किया गया है, तो हम प्रखंड कमेटी के माध्यम से मांग करते हैं कि इसका उच्च स्तरीय जांच हो। कि हमको लगा कि इसमें लाखों रुपया का राजस्व का सरकार का क्षति हो।